आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेंशनर्स पोस्टमैन को घर पर बुलाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा प्रोसेस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। पोस्टमैन आपके घर आएगा और जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देगा। नवंबर का महीना आ चुका है और भारत में करोड़ों पेंशनर्स इस महीने बैंकों में अपना जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के उनके खातों में आती रहे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब पेंशनर घर बैठे ही कई तरीकों से अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेंशनर्स पोस्टमैन को घर पर बुलाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कर सकते हैं। नंबर एक, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पोस्टमैन के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। नंबर दो, इस सर्विस में पोस्टमैन आपके घर आएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेगा। 2020 में पोस्टमैन के जरिए ये डोर स्टेप सर्विस शुरू की गई थी। नंबर तीन, मोबाइल के जरिए इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए पेंशनर गूगल प्ले स्टोर से पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेंशनर्स को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट या पीपीओ नंबर देना होगा। यह सर्विस आईपीवीवी और नॉन आईपीवी कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का लाभ उठाने के लिए कस्टमर निकटतम डाकघर से संपर्क कर सकता है या पोस्टमैन / ग्रामीण डाक सेवक को घर बुलाने का अनुरोध कर सकता है। डाक विभाग ने पोस्ट इन्फो ऐप या वेबसाइट http://ccc.sift.government.in/covid request.aspx के माध्यम से डोर स्टेप रिक्वेस्ट के शेड्यूल करने की भी सुविधा दी है। DLC जारी करना पूरी तरह से पेपरलेस और परेशानी मुक्त प्रक्रिया है और प्रमाण पत्र तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद एक प्रमाण ID तैयार की जाती है, जिसे NIC द्वारा सीधे पेंशनर्स के साथ शेयर किया जाता है। एक बार प्रमाण ID बन जाने के बाद पेंशनर्स https://jeevanpraman.government.in/ppo/user/log लिंक के माध्यम से DLC डाउनलोड कर सकते हैं। DLC की सफल जनरेशन के लिए ₹70 का मामूली शुल्क लिया जाता है। DLC जारी करने के लिए IPVV या नॉन IPVV ग्राहकों से कोई डोर स्टेप शुल्क नहीं लिया जाएगा। पेंशनर्स के पास अपना आधार नंबर होना जरूरी है, साथ ही पेंशनर्स के पास मौजूदा मोबाइल नंबर होना चाहिए। पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के पास अपना आधार नंबर का रजिस्ट्रेशन पहले से ही कराया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारी तरफ से पेंशनर्स के लिए बताई हुई जानकारी में अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।